चाचा जी, बाय लाखों चाचा जी। आपके लिए रेहाई के ऑर्डर लाया हूँ। हाँ मंगा, तभी मेरा बदन आज ज्यादा ही खुश लग रहा है और हाथ में भी अलग टाइप का खुजली हो रहा है। खुजली तो होगी ना जीजा जी, दिनू चाचा की याद जो आ रही है। बस आज आपके यहाँ सजा खत्म हुई और वहां दिनू चाचा की जिंदगी खत्म हुई। बहू रानी, घर में नमक खत्म हो गया, मैं बाजार से अभी लेकर आता हूँ। चूल्हे पे दाल चली हुई, आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अरे शंकर, ए शंकर, अरे क्या हो रहा है? धीरू चाचा, आज आप घर से बाहर क्यों निकले? जाइए जाइए, घर जाइए। क्यों, क्या बात है? आज भुजंग की सजा खत्म हो गई और वो आजाद हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे, वो मुझे मार डालेगा, रोकिए उसे। कौन किसे मार डालेगा, किसे रोकूं? इंस्पेक्टर साहब, भुजंग उसके आदमी चारों तरफ फैले हैं मुझे मारने के लिए। तुमका कैसे मालूम कि तुमका भुजंग बाबू जान से मारना चाहते हैं? साहब भूल गए आप, उस दिन कचहरी में आपके सामने मुझे धमकी दी थी। इस तरह की धमकियों पर अगर पुलिस वाले कार्रवाई करने लगे ना, तो पुलिस वाले थाने में ना ही लोगों के घरों में चौकीदारी करते दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं आप साहब? सब कुछ तो कीजिए, वो भुजंग मुझे जान। खामोश, भुजंग बाबू ने अपनी सजा काट ली है, अब वो एक आजाद शहरी है। हम कुछ नहीं कर सकता हूँ हड्डी डाल के। कुछ कीजिए साहब। और फिर घटना हुए बिना पुलिस तो कुछ कर ही नहीं सकत। हौलदार, ले जाओ इसको। साहब आप मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, याद रखना मेरा खून आपकी गर्दन पे होगा इंस्पेक्टर, याद रखना। छोड़ दो मुझे। बहुत बोलता है रे तू, बहुत बोलता है। अब तेरा टाइम अप हो गया। दिनू चाचा, अरे वो तो चले गए। आरती, आरती मैं चलता हूँ, दिन भर कोर्ट में हूँ। ओके, देखिए तीनों चाचा काफी देर से बाजार गए हैं, जाते हुए जरा देखते जाइएगा और उन्हें जल्दी घर भेज दीजिए। ओके हुजूर, ओके। हवलदार, लाश का ठिकाने लगाई दियो। तीनू चाचा, ठहरो। इंस्पेक्टर बलवंत, ये कैसे हुआ? यहाँ ना तो किसी ने कुछ देखा है और ना सुना है। इस वर्दी का कुछ तो ख्याल करो इंस्पेक्टर बलवंत। ये लाश किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की है, एक बूढ़े लाचार बेसहारा इंसान की। और आप इसे इस तरह उठवा रहे हैं जैसे ये लाश नहीं कोई कचरा हो, जिसे आप अपने मालिक का रास्ता साफ करने के लिए उठवाकर बाजू में रखवा देंगे। इंस्पेक्टर बलवंत, या जो कुछ भी हुआ है वो किसी वीराने में नहीं, भरे बाजार में सबके सामने हुआ है। वकील बाबू, ये तुहार अखाड़ा नहीं, तुहार अखाड़ा वो कचहरी की चार दीवारी का बीच में है, वहां चलाइएगा अपना पैंतरा हड्डी डाल के। अब दफा हो जाइए यहां से। चला जाऊं ये देखने के बाद भी कि एक थानेदार कत्ल की वारदात की तहकीकात करने के बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? आप अभी और इसी वक्त पंचनामा बनाइए इंस्पेक्टर बलवंत, और पूछिए इन सब लोगों को इस हादसे के बारे में। पूछे, अभी पूछत हैं, इसी वक्त पूछत हैं। गांव वालों,
आप लोगों में जोनू भी ई हत्या के बारे में कुछ भी देखा हो, सुना हो या जानत हो, वो हमारे संग थाने चलने को तैयार हो जाए। चलिए। अरे देखा वकील साहब, मैदान एकदम साफ हुई गवाह हड्डी हटा के। मैदान साफ हुआ नहीं, साफ कर दिया है तुमने। मगर एक बात याद रखना, मैं इस मैदान में किसी न किसी को लाकर ही रहूंगा। अरे आइए आइए श्रीमान वकील साहब, ये कुर्सी दे रहे। क्या चलेगा, ठंडा या गरम? कहिए कैसा आना हुआ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्यों आया हूं। मैं कोई अंतर्यामी या तांत्रिक तो हूं नहीं, हाँ अंदाजा लगा सकता हूँ। जब टाइम अप हो जाता है तो बकरा कसाई खाने में जाता है काटने के लिए, और कसाई जाता है काटने के लिए। अब तुम ही बताओ कि तुम बकरे हो या कसाई। तुम जैसे बकरे के लिए तो मैं कसाई था, कसाई हूँ और कसाई रहूंगा। मुझ पर इस उपकार का कोई खास कारण? हाँ, दीनू चाचा का कत्ल। दीनू चाचा? ये दीनू चाचा कौन है? वही अपना सर्किट हाउस का चौकीदार। हाँ, बहुत बोलता था, हरामजादा सच बोलता था। सच बोलने की बीमारी ने उसका टाइम अप कर दिया। वकील साहब, ये तुम्हारा मेरा फाइट नहीं है, वरना मैं तुम्हें अब भी खलास कर देता। जाओ, क्यों फुकट में तुम मेरा टाइम खराब करने आए हो? मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं, तुम्हारा टाइम अप करने आया हूँ। अरे ये तो मेरे ही गले पड़ रहा है। वकील साहब, किस बिना पे तुम ये नेक काम करने जा रहे हो? जानते हो, बिना सबूत के, बिना गवाह के तुम कचहरी में कैसे लगोगे? ठीक वैसे जैसे बिना कपड़े का कोई आदमी। गलत मिसाल दे रहे हो तुम भुजंग, सही मिसाल मैं तुम्हें देता हूं। सुनो, कानून एक ऐसा अजगर है जो कहां छिपा बैठा है तुम नहीं जानते। जिस दिन उसकी गिरफ्त में आ गए, बिना चबाए निगल जाएगा तुम्हें। अब इसके टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। तुम सो जाओ भारती, मुझे कुछ काम करना है। कोई काम नहीं करना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, समझती हूँ। बस करो ये सोच सोच के परेशान होना और चलो सो जाओ। अरविंद, तीनों चाचा की मौत से मुझे भी धक्का पहुंचा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। तुम समझती नहीं हो भारती, मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी ये है कि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दिन दहाड़े सड़क पर राह चलते लोगों की आंखों के सामने दीनू चाचा का कत्ल किया है, और मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सबूत तो ये लोग गायब कर देते हैं, और कोई गवाह इनके खिलाफ सबूत देने को, गवाही देने को आता नहीं है। और फिर इससे बढ़कर ताज्जुब की बात क्या है भारती, कि यहां मुजरिम जुर्म करता है वो भी खुलेआम, और ऊपर से कह कह लगाकर कबूल भी करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मगर कानून उसे पकड़ना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ लगाना तो दूर की बात है भैया, ये कानून तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भुजंग जैसे लोगों की दहशत के सामने कमजोर है कानून, उसकी दौलत के सामने गरीब। घिस गया, घिस घिस कर पुराना हो गया है कानून। तुम कानून नहीं जानते अजय, किसी भी चीज को जाने बिना रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम लोगों में, मेरा मतलब है कि युवा पीढ़ी यानी यंगर जनरेशन में खराबी यही है। तुम लोग समझते हो जो चीज पुरानी है वो नकारा है। हमारे समझने की बात नहीं है भैया,
यही सच है। आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन भुजंग को दीनू चाचा के मौत की सजा कानून नहीं दे सकता। दीनू चाचा जैसे लोगों की मौत के साथ में इंसाफ मरता रहा है और मरता रहेगा। तुम्हारा ये सोचने का अंदाज सही नहीं है अजय। इंसाफ अमर है, इंसाफ कभी नहीं मरता। उफ भैया, आप जानते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अमावस की अंधेरी रात में जलते हुए उस दिए की तरह, जो जल तो रहा है लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को नहीं मिटा सकती। और आपका अच्छा होना बुराई की मौजूदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। सवाल अच्छे और बुरे होने का नहीं है अजय, सवाल है कानून में विश्वास रखने का। अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? यह कानून का रास्ता। एक मिनट अजय, भुजंग पर काबू पाने का रास्ता मुझे नजर आ रहा है।